यह सरकार ने फैसला किया है जम्मू और कश्मीर में एक सस्टेंड डायलॉग प्रारंभ किया जाए। श्री दिनेश्वर शर्मा, जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और व्यक्तियों के साथ बातचीत प्रारंभ करेंगे और सस्टेंड इंटरेक्शन और डायलॉग के माध्यम से उनकी लेजिटिमेट एस्पिरेशंस को समझेंगे और इसमें समाज के सभी वर्गों के साथ साथ वह कश्मीर, जम्मू कश्मीर के यूथ की एस्पिरेशंस को समझने पर भी खास तवज्जह देंगे। फॉर्मर डायरेक्टर आईबी श्री दिनेश्वर शर्मा से आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। 1979 बैच के आईपीएस अफसर हैं और इंटरनल सिक्योरिटी की से रिलेटेड जो समस्याएं हैं इस देश की, उससे वो अच्छी तरह वाकिफ हैं। और मैं समझता हूं ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई भी एफिलिएशन कभी नहीं रहा है जिंदगी में, वह सर्वाधिक उपयुक्त होगा लोगों के साथ, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, सभी इंडिविजुअल्स के साथ बातचीत करने के। भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव श्री दिनेश्वर शर्मा नियुक्त किए जा रहे हैं, उनको कैबिनेट सेक्रेटरी का स्टेटस हासिल होगा। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त हुए हैं श्री दिनेश्वर शर्मा, यह बात किससे बात करनी, क्या करनी, यह सब सारा फैसला उन्हीं के ऊपर छोड़ा गया है, यह पूरा अधिकार दिया गया है। तो ये उनके पास आजादी रहेगी, ये आजादी उनके पास रहेगी कि पूरी आजादी श्री दिनेश्वर शर्मा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको यह हासिल रहेगी। दिस इज ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आई होप दैट आई मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द गवर्नमेंट as well as the people of this country. It will depend on how the talk progresses, how the people of Kashmir respond to my appointment and I hope that people will respond positively. जो अपॉइंट किया गया है इंटरलॉक्यूटर, जो हमारी उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, बहुत ही अच्छे इंसान है, मैन विद ह्यूज क्रेडिबिलिटी उनकी अपनी है। तो मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं कि वो इस मौके का फायदा उठा के दे विल ऑल्सो यू नो कॉन्ट्रीब्यूट, इस डायलॉग प्रोसेस में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। बट आई वांट टू आस्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट एंड द होम मिनिस्टर हिमसेल्फ, व्हाट हैपेंड टू द प्रीवियस इंटरलोक्यूटर्स रिपोर्ट, हाउ डू आई थिंक दैट दिस रिपोर्ट विल मेक एनी डिफरेंस? Do you think this? My own feeling is that the reports they have already with them, they should be put before the members of parliament, both Rajya Sabha and Lok Sabha, in the coming session.